हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्कॉरर। तो एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ, जो कि है आपका कोटा का। जैसे कि मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये है कोटा का सेवन वंडर पार्क, और इसका टिकट काउंटर इधर है। टिकट के प्राइस कुछ इस तरह से हैं कि वयस्क के लिए जो है 10 रुपये का टिकट है, और उसके अलावा जो है छोटे बच्चों के लिए 5 रुपये का टिकट, और स्कूल के बच्चे आते हैं तो पहले से अनुमति लेकर के 5 रुपये का टिकट मिलेगा। मैंने यहाँ से टिकट लिया है, मेरे को ये पढ़ाई टिकट 10 रुपये का, और एंट्री करने वाला हूँ इस गेट के अंदर से। तो चलते हैं अंदर। जैसा कि ये मेरे पीछे सेवन वंडर पार्क आप देख रहे हो, ये सेवन वंडर पार्क का निर्माण जो है 23 सितंबर 2013 में हुआ था, कोटा के अंदर है। और पिछला मैंने सेवन वंडर पार्क का ब्लॉग आपको अजमेर का दिखाया था, आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है नीचे, और आई बटन पर भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। चलते हैं फिर आगे और आपको सेवन वंडर पार्क को विजिट कराते हैं पूरा। गाइस, जैसा कि मैंने अजमेर वाला जो ब्लॉग था उसमें जो है मैंने स्टार्ट किया था एफिल टावर से, लेकिन मैं यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो है आपका कॉलेजियम से। जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये है कॉलेजियम, और कॉलेजियम जो है इटली के रोम शहर में स्थित है, और मूलतः इसको फ्लेविन एम्पी थिएटर नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं आगे, और भी सेवन वंडर्स में और भी 6 अजूबे बचे हुए हैं, उनको भी आपको विजिट कराते हैं। चलते हैं आगे। मैंने पहला आपको अजूबा दिखा दिया था, ये है आपका दूसरा अजूबा, जो क्या है मिस्र का पिरामिड, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, गीजा शहर में स्थित है ये वाला पिरामिड, जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हो। सब्जेक्ट को नोटिस कर देते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को नोटिस नहीं कर पाए हम, ठीक है ना, आपको दिख रहा है अच्छे तरीके से, यह है मिस्र का पिरामिड। और चलते तीसरे अजूबे की तरफ। अभी तक मैं आपको 2 अजूबे दिखा चुका, तीसरा अजूबा जो कि मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, इसको तो आप लोग पहचान पा रहे होंगे, क्योंकि यह तो अपने इंडिया में स्थित है, आगरा का ताजमहल। और ये जो है इसका जो है निर्माण जो है 1632 में स्टार्ट हुआ था, 1648 में बन के पूर्ण हो गया था। ये जो है आपका मुमताज की याद में बनाया गया था। चलते तीसरे चौथे अजूबे की तरफ। चौथा अजूबा, जैसे कि मैं आपको अभी बोला था चौथा अजूबा दिखाने वाला हूँ, जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसका निर्माण जो है फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त होकर के किया था। तो जो है अमेरिका ने इसका पेडिस्टल का निर्माण किया था, और फ्रांस ने इसकी मूर्ति का निर्माण कराया था। तो चलते आगे, आपको पाँचवा अजूबा और विजिट कराते हैं। जैसा कि नेक्स्ट अजूबा आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, ये है पीसा की झुकी मीनार, और ये इस तरह से झुकी हुई है कि लोग इस पे इस तरह से हाथ लगा के भी फोटोज खींचते हैं। बाकी ये पार्क अजमेर पार्क की अपेक्षा तो काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है, चौड़ाई में नहीं है लेकिन लंबाई में काफ़ी लंबा है, क्योंकि काफ़ी दूर आ गया मैं, फिर भी अभी ख़त्म नहीं हुए हैं 7 अजूबे, लेकिन मैं आपको पूरे 7 अजूबे दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, 7 अजूबे देखें, उसके बारे में नॉलेज लें, जानकारी लें। चलते हैं फिर नेक्स्ट अजूबे की तरफ। एफिल टावर मेरे पीछे, जैसा कि देख सकते हो, इस एफिल टावर तक पहुंचने में मैं काफ़ी सा गया हूँ, थोड़ा थोड़ा प्यास सी भी लगने लगी है, क्योंकि काफ़ी लंबा है ये पर, देख सकते हो काफ़ी लंबा है। चलते हैं फिर आगे, कुछ इस तरह का है ये एफिल टावर, देख सकते हो। चलते हैं आगे। गाइस, जैसा कि लास्ट अजूबा है ये मेरे पीछे जो देख रहे हो, ये है क्राइस्ट द रिडीमर, और ये है कोटा शहर की इमारत है कुछ इस तरह से, और बाकी एक उधर है जग मंदिर, उसको अब चलते हैं उस जग मंदिर की साइड में। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, और जग मंदिर और दिखाना बाकी है, तो चलो दिखाते हैं आपको जग मंदिर। गाइस, आपने फाइनली लास्ट
सातवां अजूबा देख लिया था, सात अजूबों में से लास्ट अजूबा जो कहता क्राइस्ट द रिडीमर, और पीछे देख सकते हो वो मेरे पीछे है वो जग मंदिर। जग मंदिर मैं फिलहाल जाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा कमी है, जा नहीं सकता, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको जग मंदिर दिखाएंगे जब भी कोटा विजिट करेंगे। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला। थैंक यू गाइज़।